नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 9 का ये सेकंड लेक्चर है और आपने इससे पहले इसके फर्स्ट लेक्चर में रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शन के बारे में आपने इससे पहले इसके फर्स्ट लेक्चर में रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था। एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना जरूरी है कि रेगुलर फंक्शन क्या होता है। तो कल आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है जो कि डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जो कि डिफाइन हो रहा है डी से सी में और डी के सब सेट है सी का। सी क्या है? सम्मिलित संख्या वाला समुच्चय और सी में इस प्रकार की संख्याएं हैं ए प्लस आई का भी है तीन संख्याएं हैं, ठीक है। ए प्लस आई का भी है तीन संख्याएं हैं, लेकिन ए और बी क्या है यहाँ पर ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। आपने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया डोमेन बी से और डोमेन सी। यहाँ पे और डोमेन सी क्या है? और डोमेन सी है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसमें किस टाइप की संख्या है? ए प्लस आई का बी टाइप की संख्या है, जहाँ पे ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा था कि एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू बराबर क्या था? यू प्लस आई का बी। अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है लेकिन किस वेरिएबल में है? ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड में डिफाइन है, ठीक है भाई। कौन से वेरिएबल जेड का, कौन से वेरिएबल में डिफाइन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, जहां पे जेड क्या है? जहां पे जेड एक्स प्लस अल्टा वाई, जहां पे जेड का मान क्या है? एक्स प्लस अल्टा वाई, ठीक है। अब देखो डोमेन डी का आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए जेड नॉट, डोमेन डी का आपने कोई पॉइंट लिया जेड नॉट, ठीक है। ये जेड नॉट कैसा पॉइंट, ये जेड नॉट कैसा पॉइंट है? ये डी का आंतरिक बिंदु है, ये डी का कैसा बिंदु है? आंतरिक बिंदु है। आंतरिक बिंदु का मीनिंग क्या है? आंतरिक बिंदु का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट जेड नॉट को सेंटर मानते हुए, अगर आप डेल्टा रेडियस का एक सर्किल बनाएं, अगर आप डेल्टा रेडियस का एक सर्किल बनाएं, तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे पॉइंट किसके सबसेट होने चाहिए? डी का। कहने का मतलब है कि आप क्या बना रहे हो? जेड नॉट का डेल्टा क्या हो? जेड नॉट का क्या बना रहे हो? डेल्टा नेबरहुड बना रहे हो। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इस सर्किल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सेट किसका समुच्चय होना चाहिए? वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का समुच्चय किसका उपसमुच्चय होना चाहिए? डी का उपसमुच्चय होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट जेड नॉट को आप सेंटर मानो, डेल्टा रेडियस का आपने सर्किल बनाया, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, तो सबसे पहले आपने सर्किल बनाया, इस सर्किल क्या कर रहा है? ये सर्किल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का डेल्टा प्रोपोर्शन है। डेल्टा प्रोपोर्शन किस तरीके से करोगे? एंड डेल्टा ऑफ जेड नॉट के इसमें कौन सी सम्मिलित संख्याएं होंगी? इसमें वे सम्मिलित संख्या होंगी जो किस ऐसे निकाल पर निकलती है और जितनी भी सम्मिलित संख्या होगी वो किसका सबसेट होगी? डी का सबसेट होगी, ठीक है। ये जेड नॉट आपने क्या लिया? डी का आंतरिक बिंदु, ठीक। अब इस जेड नॉट के लिए, अब इस जेड नॉट के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार बनाना हो कि एफ एस जेड क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। एफ एस जेड क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट, लेकिन किसके लिए? ईच जेड नॉट को मोर जेड माइनस जेड नॉट से डेल्टा, ठीक है। कहने का मतलब है इस सर्किल
आप जितने भी फंक्शन लेंगे उन सभी फंक्शन का एग्जिस्ट और डिफरेंशिएबल और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो या फिर इस सर्किट के जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये आपकी डेफिनेशन टू द रेगुलर पॉइंट की। अब दूसरी डेफिनेशन है आपकी, एक सेकंड डेफिनेशन कल आपको लिखा हुई थी कौन सी, एनालिटिक फंक्शन। सेकंड कौन सी थी कल, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में मैंने क्या एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया डी से सी में, ठीक है, जहां पे सी क्या है सम्मिश्र संख्या और समुच्चय है जिसमें संख्या कहते हैं एक दो स्क्वायर का भी टाइप किए हैं और जहां पे ए और बी किसको कम कर रहा है आर को कम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन एफ डी में, फंक्शन एफ डी में एनालिटिक है, ये फंक्शन एफ डी में एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि यदि डी का प्रत्येक पॉइंट, यदि डी का प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, डी का प्रत्येक पॉइंट रेगुलर होना चाहिए, मतलब डोमेन डी के जितने भी पॉइंट है ना उस सारे के सारे पॉइंट क्या होने चाहिए रेगुलर होने चाहिए, ठीक है भाई। या फिर आप यह कह सकते हो कि डी के प्रत्येक बिंदु के डेल्टा बराबर, या फिर आप ये कह सकते हो कि डी के प्रत्येक अवयव के डेल्टा नंबर, डी के प्रत्येक अवयव के डेल्टा नंबर फंक्शन क्या होना चाहिए डिफरेंशियल, मतलब एफ एफ डेट एग्जिस्ट हो, ठीक है। ये आपके एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। एनालिटिक फंक्शन वही है कि आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया डी से सी में, ठीक है, सी क्या है सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, इसको डिफाइन कैसे करते हैं एक प्लस आर का बीटा के की संख्या को सेट से जहां पे ए और बी क्या है आर को बनता है या फिर ए और बी क्या है मात्रा संख्या है। अब आपको आपको डिफाइन करना है कि एफ डी में एनालिटिक फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ डी में एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि डी का प्रत्येक पॉइंट क्या होगा रेगुलर पॉइंट होना चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हो अर्थात क्या कहते ये बोल सकते हो डी के प्रत्येक अवयव के डेल्टा में जो होते हैं फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल हो या फिर एफ का एग्जिस्ट हो, ठीक है भाई एफ का एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है, यहां तक का मामला कवर हो गया। अब आज नई डेफिनेशन है लेकिन सेकंड डेफिनेशन है आज आपके एनालिटिक फंक्शन की, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन थी, सेकंड डेफिनेशन और लिख लीजिए कि वो क्या होती है कैसे कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहलाता है किन किन कंडीशंस का पालन करता है तो वो सब होते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन हो गई, ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब आप देखो एनालिटिक फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन, एनालिटिक फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन या फिर विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन, ठीक है। देखो माना एफ डी से सी में, माना एफ डी से सी में सम्मिश्र चर जेड में कोई सम्मिश्र फलन, कोई सम्मिश्र फलन है तब फलन है डी में विश्लेषित फलन कहलाता है, डी में विश्लेषित फलन कहलाता है, डी में विश्लेषित फलन कहलाता है यदि यह निम्न प्रतिबंधों का पालन करे, ठीक है, निम्न प्रतिबंधों का पालन करे। कौन कौन से हैं देखो भाई, फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए फंक्शन एफ आपने डिफाइन किया है डी से डी में, किस प्रकार से डिफाइन किया आपने कि एफ को जेड बराबर डब्ल्यू
डी में एनालिटिक, एफ डी में एनालिटिक होगा, कब होगा? तीन कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डी में डिफाइन होगा, एफ क्या होना चाहिए, डी में डिफाइन होना चाहिए, मतलब एफ डी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन डोमेन के कम से कम एक पॉइंट पर भी डिफाइन नहीं है ना, डोमेन के किसी मान लो एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, तो आप कह सकते हो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। पहली कंडीशन का पालन होना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं बनेगा, एनालिटिक फंक्शन ही नहीं बनेगा। सेकेंड एफ क्या होना चाहिए, एफ डी में डिफरेंशियल, एफ क्या होना चाहिए, डी में डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक हो गई। सेकेंड कंडीशन होगी कि फंक्शन है डोमेन डी में डिफरेंशियल, और थर्ड ये है कि एफ में डी के प्रथम कोटि, कि एफ में डी के प्रथम, सॉरी एफ में यू तथा वी के, एफ में यू तथा वी के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो, एक्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, एक्स होने चाहिए, और किस प्रकार से होने चाहिए, कि सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, सी आर इक्वेशन, ठीक हुई। आपके एफ में भी यू होती है ना, ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए, और साथ ही साथ किसका पार्ट सेटिस्फाई करना चाहिए, इनको सी आर इक्वेशन का पार्ट करना चाहिए, सी आर इक्वेशन दैट मींस कोसी रीमान समीकरण, कोसी रीमान समीकरण होते क्या है, कोसी रीमान समीकरण का ये पार्ट ये हो रहा यू एक्स बराबर डी वाई और यू वाई माइनस डी एक्स, ठीक हुई। तो ये डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डोमेन में डिफाइन होगा, सेकंड डोमेन में डिफरेंशियल होगा, थर्ड एफ में यू तथा वी के, एफ में बोल दो या एफ हाँ कुछ भी बोल दो, एफ में यू तथा वी के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, और किसका सेटिस्फाई करना चाहिए, सी आर इक्वेशन का सेटिस्फाई करना चाहिए, और सी आर इक्वेशन क्या होते हैं, आपने अपने यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, ठीक है। डेफिनेशन है नेक्स्ट आपकी सिंगुलर पॉइंट, नेक्स्ट में डेफिनेशन है
वो आपके है सिमिलर पॉइंट या विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव होते क्या है, क्या और कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या इनका नेचर होता है, फंक्शन का क्या नेचर होता है, फंक्शन किस टाइप का होता है, तो ये सब का अध्ययन करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पॉइंट समझना होगा कि सिंगल पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, क्या नेचर होता है इनका सिंगल पॉइंट का, फंक्शन का टाइप क्या हो जाता है, जब फंक्शन किसी पर फंक्शन में कोई कोई सिंगल हो, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन आपको पढ़ते ही उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिंगल पॉइंट। देखो भाई सिंगल पॉइंट क्या होता है, विद्युत बिंदु, विद्युत बिंदु या सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। देखो ये जनरली जो डेफिनेशन होते हैं आपके बुक्स में जो डेफिनेशन है या फिर आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो कोचिंग्स में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको सीधे सीधे ये बताया जाता है कि कोई भी पॉइंट सिंगल पॉइंट कहलाता है, मतलब आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया बी से सी में, और किस वेरिएबल में आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया है ये फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब ये फंक्शन में आप सबसे पहले आपने डी में कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, डी में कोई पॉइंट ले लिया जेड। अब ये फंक्शन मान के चलो इस पॉइंट पर आ जाएगा, आपने जो फंक्शन लिया है वो इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट नहीं हो तो आप क्या कह सकते हो कि ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट है सिंगल पॉइंट कहलाता है, ठीक है भाई। ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट सिंगल पॉइंट कहलाता है। दूसरा आपको ये भी लिखा जा सकता है डेफिनेशन में कि कोई भी पॉइंट फंक्शन का सिंगल पॉइंट कहलाता है, ये दूसरा फंक्शन लिखा नहीं हो, कहने का मीनिंग यह है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जब आप बात करते हो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फंक्शन का सिंगल पॉइंट कहलाता है। फर्स्ट तो आपको ये डेफिनेशन है कि आपने को डोमेन से कोई पॉइंट लिया आपने जेड, ठीक है भाई, डोमेन से कोई पॉइंट लिया आपने जेड, और ये पॉइंट जेड एफ का, ये पॉइंट जेड एफ का सिंगल पॉइंट है, ये पॉइंट जेड क्या कहलाता है, एफ का सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट कहने की पहली डेफिनेशन ये है कि एफ जेड में एनालिटिक नाउन, एफ जेड में क्या होता है एनालिटिक नाउन, और दूसरी डेफिनेशन ये दिखाई जा सकती है कि एफ जेड पर डिफाइनगी नाउन, लेकिन इससे विपरीत डेफिनेशन पढ़ते हैं, इससे विपरीत डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन जिसके द्वारा आप ये क्लासीफाई भी कर सको या फिर कि ये कौन से सिंगुलरिटी बनेगी, किस टाइप की बनेगी, फंक्शन का नेचर क्या होगा, ठीक है। ये जो पहले दो डेफिनेशन बताई है वो दो डेफिनेशन तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, कौन सी, फर्स्ट तो ये है कि एफ बी में डिफाइन ना हो, एफ बी में सॉरी एफ बी के किसी बिंदु पर डिफाइन ना हो, ठीक है, एफ बी के किसी बिंदु पर डिफाइन ना हो, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकेंड है एफ डी के किसी बिंदु पर विश्लेषित ना हो, डी के किसी बिंदु पर विश्लेषित ना हो। लेकिन आप एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे आपको इजीली समझ गया जाएगा सिंगुलरिटी का टॉपिक्स, और साथ ही साथ आपको क्लासिफिकेशन में भी हेल्प मिल जाएगी इस डेफिनेशन में, ठीक है। देखो आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया एफ डी से सी में, ठीक है, डी से सी में डिफाइन किया और किस प्रकार से किया, एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर एन प्लस आई का। अब देखो भाई आपको डी में से पॉइंट चुनने हैं, आपको जो ये डी दिया गया है ये क्या है, डोमेन, डी क्या है आपका प्रांत का फंक्शन है, ठीक है, डी एफ का क्या है, इस प्रांत में से आपको सबसे पहले क्या चूज करना है, सबसे पहले चूज करना है आपको रेगुलर पॉइंट, और उन रेगुलर पॉइंट को, उन रेगुलर पॉइंट को कलेक्ट करके क्या बनाना है, एक सेट बनाना है, ठीक है। उन रेगुलर पॉइंट को कलेक्ट करके आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है।
प्रांत दे दिया, इस प्रांत के वो कौन सा अपकर्षण करना है, उन कौन सा कर्षण करना है जिनके राज्य क्या हो, जिन पर टैक्स नियमित हो, या वे कौन कौन सा कर्षण करना है जिनके राज्य के क्या हो नियमित बिंदु रेगुलर पॉइंट हो। तो ये कौन सा क्या आएगा आर। अब देखो डी के लिमिट कौन सी निकालो, डी के लिमिट पॉइंट निकालो, डी के लिमिट पॉइंट का आपने सेट ले लिया आर है, ठीक है। डी के लिमिट पॉइंट का आपने क्या ले लिया सेट और बनाया, तो डी के लिमिट पॉइंट का सेट क्या हो गया आर डैश हो गया, और आर डैश में भी कॉम्प्लेक्स सिंबल होंगे, आर डैश में भी कॉम्प्लेक्स सिंबल होंगे जो कि क्या है डी का सीमा बिंदु, जो कि क्या है डी का सीमा बिंदु है, ठीक है। अब देखो नियमित बिंदु का सेट आ गया, सीमा बिंदु का सेट आ गया, आपको इसमें से वो पॉइंट चुनने हैं, आपको इस लिमिट पॉइंट के सेट में से वो पॉइंट चुनने हैं जो कि रेगुलर पॉइंट ना हो, लिमिट पॉइंट के सेट में से सिर्फ वो ही पॉइंट चूज करने हैं जो कि रेगुलर पॉइंट ना हो। तो भाई इस सेट में से आप किन को डिस्कस कर दो रेगुलर पॉइंट को, सेट आर में से आपने हटा दिया क्या आर। अब जितने भी पॉइंट बचे वो सारे के सारे क्या बचे, वो सारे सारे सीमा बिंदु के सेट पर, जो सारे सारे एलिमेंट थे वो क्या है डी के सीमा बिंदु है, लेकिन वो नियमित बिंदु नहीं है। कहने का मतलब है इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है डी के तो सीमा बिंदु है लेकिन डी के नियमित बिंदु नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का कथन है, समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का, सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय जो जो डी के नियमित बिंदु ना हो, जो डी के नियमित बिंदु ना हो, क्या कह रहा है जो डी के नियमित बिंदु ना हो ऐसे सीमा बिंदु ऐसे विचित्र बिंदु कहलाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं विचित्र बिंदु कहलाते हैं, ठीक हुई। मतलब डी के कोई सीमा बिंदु लेने हैं जो कि क्या वो नियमित बिंदु ना हो, ठीक हुई। आपको वही एलिमेंट चूज करने हैं जो डी के तो सीमा बिंदु हो लेकिन डी के क्या नहीं हो, सॉरी एफ के क्या नहीं हो नियमित बिंदु नहीं, ठीक भाई। या फिर आप ये कह सकते हो कि समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय, समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का वे समुच्चय अवयव, समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं के समुच्चय के वे अवयव जो कि नियमित बिंदु ना हो, जो कि नियमित बिंदु ना हो वो क्या कहलाते हैं वो विचित्र बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं विचित्र बिंदु कहलाते हैं। आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी देख सकते हो कि समुच्चय डी के सीमा बिंदु का वह समुच्चय तो एफ के नियमित बिंदु ना हो क्या कहलाते हैं एफ के विचित्र बिंदु कहलाते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए इसके। माना एफ डी से सी में, एफ डी से सी में सम्मिश्र जेड में एक सम्मिश्र फलन, एक सम्मिश्र फलन है, दैट इज एफ फ्रॉम डी टू सी सच दैट एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस अल्फा बी, ठीक है। अब देखो माना आर तथा, माना आर तथा आर डैश समुच्चय, समुच्चय माना आर तथा आर डैश फलन है, फलन एफ वह समुच्चय फलन एफ के नियमित
बिंदु व समुच्चय डी के व समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, आपने जो आर का आर डैश माना है ना, वो क्या माना है? अपना नेट के डायग्राम कौन सा है? और समुच्चय डी के सीमा बिंदुओं का समुच्चय माना है। दैट इज आर बराबर जेड प्लस सी सच दैट जेड एफ का नियमित बिंदु, जेड एफ का नियमित बिंदु है। ठीक है, और तथा आर डैश क्या है? आर डैश है जेड प्लस सी सच दैट जेड डी का सीमा बिंदु है। जेड क्या है? डी का सीमा बिंदु है। ठीक है, तब डी के सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय, तब डी के सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय जो एफ के नियमित बिंदु नाम, जो एफ के नियमित बिंदु नाम हो, एफ के विचित्र बिंदु कहलाते हैं, एफ के विचित्र बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, मतलब डी के कोई लिमिट पूछ लेते हैं, डी के कोई लिमिट कौन का सेट लेना है जो कि एफ के क्या हो? नियमित बिंदु नाम हो, और उन पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? सिंगल पॉइंट्स कहलाएंगे। वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? सिंगल पॉइंट्स कहलाएंगे। और उन पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? सिंगल पॉइंट्स का सेट कहलाएगा। ठीक है, उन पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? सिंगल पॉइंट्स का सेट कहलाएगा। ठीक है, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू, दैट इज अल्फा एफ का विचित्र बिंदु कहलाता है, दैट इज अल्फा एफ का विचित्र बिंदु कहलाता है यदि यदि अल्फा बिलोंग्स टू आर डैश माइनस आर, यदि अल्फा बिलोंग्स टू आर डैश माइनस आर। ठीक है, अब देखो इससे आगे, इससे आगे नेक्स्ट है विचित्रताओं के प्रकार। नेक्स्ट क्या है? विचित्रताओं के प्रकार। ठीक है, विचित्र बिंदु का मीनिंग यही है, या तो फंक्शन दिखाई होना चाहिए इस पॉइंट पे, या फंक्शन एनालिटिक ना हो, या तीसरे है कि इसकी सीमा बिंदुओं के डोमेन डी के सीमा बिंदुओं का वह समुच्चय जो कि एफ के क्या हो? नियमित बिंदु नाम। क्या कहलाते हैं? एफ के विचित्र बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करना चलो कि आपने कोई भी पॉइंट दिया है अल्फा, अब ये आएगा एफ का विचित्र बिंदु कहलाएगा, इसलिए कंडीशन क्या है कि अल्फा बिलोंग करना चाहिए आर डैश माइनस आर। ठीक है, अल्फा क्या बिलोंग किसम को बिलोंग करता है? तो अल्फा करना चाहिए सेट आर डैश माइनस आर। नेक्स्ट है विचित्रताओं के प्रकार। तो विचित्रताओं का दो प्रकार होते हैं, एक तो व्युत विचित्रता और एक अव्युत विचित्रता। ठीक है भाई, तो लिखो इसके बाद विचित्रताओं के प्रकार। शुरुआत में आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी समझने में आपको, लेकिन आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ डेफिनेशन आप अच्छे से कर लें, अदरवाइज बाकी सब काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है विचित्रताओं के प्रकार। विचित्रता दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। तो लिख लो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आपकी, फर्स्ट है व्युत विचित्रता। फर्स्ट क्या है? व्युत विचित्रता। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? इसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सेकेंड है आपकी एल्यूट विचित्रता, सेकेंड है आपकी एल्यूट विचित्रता, इसको क्या बोलते हो? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड।
ठीक है। अब देखो इसमें बार बार करने में सबसे पहले आप किसका अध्ययन करोगे, विरुद्ध विशेषण का। और ये क्या है विरुद्ध विशेषण का, ये समझ लीजिए वियुक्त विशेषण का, ठीक है। देखो ये आपने विचलन का वाला पैटर्न बनाया, ठीक है। एक फंक्शन लिया f, उस फंक्शन के आपने क्या निकाला, उस फंक्शन के आपने विचित्र बिंदु निकाला, ठीक है। विचित्र बिंदु निकाल लिए, विचित्र बिंदुओं का सेट कौन सा होता है, विचित्र बिंदुओं का समुच्चय कौन सा है आपको पता ही है, r डैश माइनस r, कौन सा पैटर्न है, r डैश माइनस r, ठीक है। अब देखो इसमें से आपने कोई भी चित्र बिंदु ले लिया l, आपने क्या किया कोई सा भी चित्र बिंदु ले लिया l, ठीक है। ये अल्फा f का या f की, ये अल्फा f की व्युत विचित्रता कहलाती है, ये अल्फा f की व्युत विचित्रता कहलाती है यदि यदि अल्फा के, यदि अल्फा के डेल्टा नेबरहुड में, यदि अल्फा के डेल्टा नेबरहुड में f की कोई अन्य, f की कोई अन्य विचित्रता का मान ना हो, इसके नेबरहुड में सिर्फ ओनली इसके नेबरहुड में कोई f की कोई भी विचित्रता का मान नहीं होती है, अगर एक भी विचित्रता का मान हो गई तो ये विचित्रता वियुक्त नहीं कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी f, ठीक है। तो f की कोई भी विचित्रता या कोई भी बिंदु अल्फा, f का विचित्रता बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के डेल्टा नेबरहुड में f की कोई अन्य विचित्रता नहीं हो, ठीक है। और अगर हो जाए मान के चलो हो, कौन सी बन जाएगी, वो f वियुक्त विचित्रता बन जाएगी, ठीक है। कौन सी बन जाएगी, f वियुक्त विचित्रता। सिर्फ इतना समझना है आपको कि मान के चलो ये है अल्फा विचित्र बिंदु है आपका, इसके डेल्टा नेबरहुड आपने बनाए हैं जिस तरह के, ये डेल्टा नेबरहुड हो गया, तो डेल्टा नेबरहुड क्या हो गया जेड माइनस अल्फा, ठीक है। इसके इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर एफ की कोई विचित्रता नहीं चाहिए, कहने का मतलब है इस पॉइंट को अगर आप हटा दो ना, इस पॉइंट को आप हटा दो तो क्या बन जाएगा, ये नया सेट बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के साथ जो सेट आएंगे ना, उस सेट के सारे पॉइंट, इस पॉइंट को हटाने के साथ जो नया सेट आएगा उस सेट के सारे पॉइंट कौन से एफ के डेवलप होंगे, अगर डेवलप नहीं है तो आप कह सकते हो कौन से विचित्रता है एफ, और अगर डेवलप है तो कौन सी है, ठीक है। डेफिनेशन कर देखेंगे आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होगी, ठीक है। और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें क्योंकि एग्जाम्स आपके शोर होंगे, आपको पता है खुद को नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें कंटिन्यू। ये आपके फोर्थ यूनिट है, इस फोर्थ यूनिट के बाद आपको कुछ नहीं कराया जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके बाद सिर्फ आपकी एलिजिबल रहेगी, ठीक है। जो भी आपकी शुरुआत से रहेगी एलिजिबल, शुरुआत के जो चार चैप्टर हैं जनरल वो आपको स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो पढ़ाए जाएंगे और कुछ